ऑस्ट्रेलिया से एक ऑर्डर आया है, अभी दिखाता हूँ कौन सी पिक्चर है। ये पिक्चर है जो बनानी है, मैं बनाना शुरू करता हूँ और ये ऑस्ट्रेलिया भेजना है। आउटलाइन हो गई है, बस बाकी शेडिंग कर रहा हूँ। अभी मैं कुछ कमेंट पढ़ रहा था, पता नहीं लोगों को क्या हो गया, कमेंट कर रहे हैं कि बंदा पैसे लेता है और ये पता नहीं बुरा बंदा है और ये स्केच बनाने के पैसे लेता है। मैं समझ नहीं आ रही, हाँ भाई पैसे लेता हूँ स्केच बनाने के, बिल्कुल पैसे लेता हूँ, मगर जो लाइव स्केचिंग होती है जो मैं बाहर लोगों के बनाता हूँ, जैसे सब्जी वाला हो गया, कोई दूध वाला हो गया, या फिर जितने भी लोग हैं बाहर जिनके भी स्केच बनाता हूँ, लाइव स्केचिंग वो फ्री होती है। मगर जो मैं घर में बैठ के बनाता हूँ, ऑर्डर लेने का मतलब क्या है, ऑर्डर लेने का मतलब यही होता है कि भाई पैसों में लेता हूँ, जाहिर सी बात है। तो पता नहीं क्यों ऐसे कमेंट आ रहे हैं, खैर कोई मसला नहीं है मुझे लोगों से, मैंने उनको पता नहीं होता कैसे ना। तो मैं जो घर में बैठ के स्केच बनाता हूँ, जिसमें मुझे 6-6 घंटे 7-7 घंटे लगते हैं, तो उसके मैं पैसे लेता हूँ। बाकी जो बाहर लाइव स्केचिंग है, बाकी उसके भी लोग उसके भी पैसे लेते हैं लाइव स्केचिंग, मगर मैं उसके नहीं लेता, क्योंकि मैं उनको तो गिफ्ट करता हूँ, मैं ना अपनी तरफ से लोगों को जाके गिफ्ट करता हूँ, जैसे छोटा वाला जो बनाता हूँ ना, छोटे साइज पे और वो सब कुछ के, वो तो मैं गिफ्ट करता हूँ, एक वो अलग चीज़ है। अब मैं किसी को देना चाहूँगा या नहीं देना चाहूँ वो मेरे ऊपर है, मगर लाइव स्केचिंग फ्री होती है, मैं उसके अभी तक कोई पैसे नहीं लेता हूँ जो बाहर लोगों के बना के देता हूँ। बाकी जितने जो ऑर्डर वाली बातें होती है ना, कि किसी को ऑर्डर देना है तो उसके जाहिर है मैं पैसे लेता हूँ। ऑर्डर देने का मतलब क्या है, ऑर्डर लेने का मतलब ये होता है कि पैसे मिल रहा हूँ, खैर मुझे कोई मसला नहीं है कोई ऐसे कमेंट करता है, मगर मैं सबको बता रहा हूँ हाँ भाई मैं पैसे लेता हूँ। तो बस कह रहे हैं जिसको भी बनवाना है भाई मुझे मैसेज करे और मैं पैसे लेता हूँ स्केच बनाने के, मगर जो बाहर बनाता हूँ वो फ्री में बनाता हूँ। चारकोल यूज़ कर रहा है क्योंकि ब्लैक काफ़ी ज़्यादा ब्लैक है, तो चारकोल पाउडर वगैरह सब कुछ इस पर यूज़ करना है, बस देखते हैं कैसा बनता है जल्दी। अब मैं सोच रहा हूँ कुछ क्रिकेटर्स के स्केच बनाऊँ, सब जितने भी हैं, तो बाकी लोगों के बनाते, जैसे मैंने पहले उमर शरीफ का बनाया था, नादिर अली का बनाया था, काफ़ी सारे लोगों का बनाया मैंने, तो इसी तरह ना सारे क्रिकेटर्स का बनाते हैं। मैं अभी सोच रहा हूँ शाहिद अफरीदी का बनाएं, और जिसको भी स्केच बनवाना है मुझे मैसेज करें पैसों में फ्री में, वजी स्केच के पैसे लेता है ये मशहूर कर दो सब जगह, वजी स्केच के पैसे लेता है, हाँ भाई पैसे लेता हूँ स्केच के। ये पेंसिल छोटी हो गई है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा छोटी हो गई है, मगर इसको ज़ाया नहीं करता मैं, कोई भी पेंसिल होती है ना भाई, कोई भी ज़ाया नहीं किया, कोई भी चीज़ को, ये पेंसिल भी अच्छी खासी पैसों में आती है, बहुत महंगी आती है। तो अगर ये पेंसिल ख़त्म होने वाली है, अब इसको ऐसे पकड़ना तो बड़ा मुश्किल है ना, तो मैं ये यूज़ करता हूँ और ये इस पर लगाया, अब ये पेंसिल बड़ी हो गई, अब मैं इसको मदद से यूज़ कर सकता हूँ, पीछे से भी पकड़ सकता हूँ, ठीक है। जब तक ये बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाएगी ना, बिल्कुल लास्ट पर नहीं पहुँचेगी, जब तक मैं इसको ख़त्म नहीं करूँगा। स्केच रेडी हो गया बिल्कुल, बस देख रहा हूँ कि मैच करिए तस्वीर, कोई गलती तो नहीं है। ऑस्ट्रेलिया भेज रहा हूँ तो ऑस्ट्रेलिया तो फ्रेम तो भेज नहीं सकते, तो मैं इसको इसके अंदर डाल के भेजूंगा रोल करके, ताकि बिल्कुल सही रहे और खराब ना हो। बस अब साइन कर रहा हूँ उस पर, ठीक है, और इसके बाद इसको पैक करता हूँ। बस साइन हो गया, अब इसको पैक करते हैं और भेजते हैं। बस इसको पैक कर रहा हूँ, और ये है 12x16 इंच, देख लो सब, ठीक है, 12x16 इंच A3, जिसको भी बनवाना है बनवा सकता है, इतना ही अच्छा बन के मिल जाएगा आपको, ठीक है। कहाँ कहीं भी हूँ, ऑस्ट्रेलिया, US, UK, कनाडा, दुबई, कहीं भी हूँ, मैं आपको बना के भेज सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको पैक कर रहा हूँ, पैकिंग में इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि सबको पता चल जाए, भाई पैकिंग बड़ी आसान होती है और बहुत आराम से आप तक पहुँच सकते हैं, ख़राब नहीं होता है, इसलिए मैं पैकिंग करके दिखाता हूँ ताकि सबको पता चल जाए। खराब नहीं होता है, बिल्कुल सही रहता है। अभी इसके अंदर डाला है, अब यहाँ से कट करूँगा इसको, फिर वो लगाऊंगा टेप लगा के, आराम से इसको भेज देंगे, ठीक है। वो जिसको बनवाना है मुझे मैसेज करें।